हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी एंड किचन। आज हम बहुत ही अनोखे तरीके से बनाने वाले हैं आलू चाट। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें 4 उबले हुए आलू लेना है और इन्हें हमें छील लेना है। तो हमने इन आलुओं को छील लिया है और अब इन आलुओं को हमें काटना है। इन आलुओं को हमें स्लाइस करके थोड़ा मोटा मोटा काटना है। इस तरह से हमें सारे आलू की स्लाइसेस काट लेनी है। तो हमने सारी स्लाइसेस काट ली है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। आलूओं को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है और इन्हें हम फ्राई करेंगे घी में। आप चाहे तो इन्हें तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ 3 चम्मच देसी घी डाल दिया है और घी को हमें गर्म होने देना है। घी गर्म हो चुका है, अब इस घी में एक एक स्लाइसेस हम डाल देते हैं। जितनी स्लाइसेस पैन में आ जाए उतनी ही स्लाइसेस इसमें डालना है, नहीं तो बाद में पलटने में प्रॉब्लम होगी। और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है। इन आलूओं को हमें अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। तो ये आलू एक साइड से हल्के से फ्राई हो गए हैं, इन्हें पलट देते हैं। ऐसे ही हमें इन्हें उलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो ये आलू अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमें सारे आलू की स्लाइसेस फ्राई कर लेनी है। तो हमने सारे आलू की स्लाइसेस फ्राई कर ली है और चलिए अब हम बनाएंगे इसकी चाट। इन स्लाइसेस के ऊपर डाल देते हैं इमली की चटनी, हरे धनिया की चटनी, फैटा हुआ मीठा दही, बारीक कटा हुआ प्याज, काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और डाल देते हैं थोड़ी सी नमकीन। हम यहाँ आलू भुजिया डाल रहे हैं, आप कोई सी भी नमकीन डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ अनार के दाने, अगर घर में अवेलेबल हो तो डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आलू की चाट बनकर तैयार है। तो कितना आसान था इसे बनाना, और जितना आसान था उतना ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।